प्रेम विवाह से नाराज घर वालों ने की बेटी की हत्या, पति ने कराई घर वालों पर रिपोर्ट। बरेली थाना सिरौली में एक लड़की को अपने प्रेमी से घर वालों की मर्जी बिना शादी करने पर जान से हाथ धोना पड़ गया। उसके घर वालों ने उसके पति की गैर मौजूदगी में कत्ल कर दिया। सिरौली के बसंतपुर गांव की हिमांशी और बूढ़ा गांव के सुरजीत से प्रेम संबंध थे और दोनों ने भागकर शादी कर ली थी। 13 मार्च को कोर्ट मैरिज कर ली थी। हिमांशी के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। सुरजीत का आरोप है कि रविवार की शाम को हिमांशी की दवा दिलाने ले जा रहा था। रास्ते में हिमांशी की माँ राम बोली मिली और बोली, घर चलो, जो हुआ उसे भूल जाओ। वो दोनों राम भोली को घर ले आए। राम भोली ने सुरजीत को पड़ोस के गांव में दीपक के कपड़े लेने भेज दिया। सुरजीत जब वापस घर आया तो हिमांशी की लाश मिली और घर वाले गायब थे। सुरजीत ने ससुराल वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। घर वाले फरार हैं। श्रीपाल सिंह, मामला ये था कि ये शादी ये लेके चला गया था। उसके बाद में इसके घर वाले संतुष्ट नहीं थे इनसे शादी करने के लिए। उनने कहा कि इस तरीके से लेके गए तो तुम इससे शादी कर लो, ज़्यादा अच्छा है, ना तो हम तुम पे कार्रवाई करेंगे। इनने शादी लिखित में गांव में बैठ के पंचायत में शादी की। उसके बाद में एक जो आर्य समाज से शादी होती है उसका भी कागज़ इनके पास मौजूद है, वो भी कागज़ बना हुआ है जो शादी करी है आर्य समाज से। उसके बाद में गाँव में पंचायत में बैठ के कई प्रधान उरदान सभी इकट्ठे रहे हैं। स्टाम्प पेपर पे लिखित में 1.5 लाख रुपए दिया है। उसके बाद में फैसला हुआ है कि हम आपको कुछ नहीं करेंगे, कभी कार्रवाई नहीं करेंगे, हम इससे इस शादी से संतुष्ट हैं। लड़की की माँ बाप सभी के साइन है, अंगूठा है, निशान सब सब कुछ है। उसके बाद में फिर ये जा रहा था दवाई दिलवाने के लिए, क्या मैं तो था नहीं कल घर पर, ठीक है। उसके बाद में उसे बुला के उसे अंदर पकड़ के फिर मार दिया उसके मायके वालों ने। अब ये तो सर मैं मौजूद हालत में था नहीं तो मैं कैसे बता सकता हूँ। जानकारी में तो जानकारी में गले में रस्सी लिपटी हुई है, पिटाई के निशान है, ठीक है। बुरी हालत में उसका शरीर जो दिखाई दे रहा है वो है। हाँ, थाने में पुलिस तो तुरंत ही आ गई थी, 100 नंबर। उसमें अभी तो कोई गिरफ्तारी हुई नहीं थी। अब उसके बाद में जो होगा वो देखा। सुरजीत, अब क्या मामला सर? ये था, मैं दवा लगवाने जा रहा था रास्ते में, वो घर से अपने इनकी मम्मी मिली थी, नल पे पानी भर रही थी, उन्होंने रोड पे बढ़ के मुझे रोक लिया। वो उतार ली, उतारने के बाद में बोली एक दो मिनट में इससे बात कर लूँ, तब चले जाना। मम्मी पानी रुक गई और मुझे फिर रोकने बाद बोली तुम घर में चलो। मैं तो गया नहीं था, उससे भी कहा था घर में चलो, वो भी नहीं गई थी घर में और नहीं मैं गया था। फिर मुझे बोला चाय पी लो, दूध पी लो, मैं कुछ भी नहीं पीऊँगा, उससे भी कहा था, उसने भी मना कर दिया। तो मुझे बोली छोटे लड़के कपड़े तिब्बा लाओ, मैंने मैं नहीं जाऊँगा भाई, मैंने गाड़ी ले जाओ। तो बोले मुझे गाड़ी चलाना जानते नहीं, तो मुझे भिजवा दिया कपड़ा लेने को। जब तक मैं वहाँ से लौट के आया बड़े गाँव से कपड़ा उठवा के, जब मैंने देखा घर में कोई नहीं था, जब देखा था मैंने कमरे में ढूंढी तो मड़ी हुई पड़ी थी, कपड़े झकी हुई थी, नंगी थी, नहीं झकी हुई थी। किसने रख दिया था? पता नहीं भाई, उसके माँ बाप भी ढाक के गए थे। किस तरह से थी? लगाई है, रस्सी लिपटी हुई थी गेट में सर, खींच के। तो कुंडे पे थी या जमीन पे थी? जमीन पे थी सर। उतारा किसने? किसी भी नहीं, जमीन पे ही पड़ी थी, झकी हुई थी सर। गला घोट के मारा? हाँ। कहाँ रहते हो? घोड़ा। आपकी कौन थी ये? पत्नी थी मेरी। किस पे आरोप है आपका? आरोप किस पे सर? इसके मम्मी पे और पापा और इसके भैया पे। मैके वालों पे आरोप है? नहीं। कोई माँ पहले कोई परेशानी हुई किसी प्रकार की थी? कोई पहले कोई विवाद हुआ था किसी बात का? हाँ जी। हाँ, क्या? इन्हीं से हुआ था सर, मतलब मेरे साथ चली गई थी ये, फिर एक बार दे भी दी थी ये। तो आपने भाग के शादी करी है? हाँ जी, कोर्ट मैरिज करी सर। कोर्ट मैरिज कितने साल होगा? कोर्ट मैरिज हो गया 1.5 महीना। कितने बच्चे हैं? बच्चे भी थे। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।